हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं लेकर आया हूँ फिर एक पोकेमोन का नया और इंटरेस्टिंग थ्योरी। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो है ग्राउंड टाइप पोकेमोन के ऊपर मैंने बनाया है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट जो टेक वीडियो यानी कि थ्योरी वीडियो आने वाली है दोस्तों, वो बहुत ही कमाल की एंड खास थ्योरी वीडियो। तो प्लीज दोस्तों वो वीडियो को देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा इसलिए इस बार पहले नंबर पर है कोकोडाइल। दोस्तों कोकोडाइल एक ग्राउंड टाइप एंड डार्क टाइप पोकेमोन है दोस्तों, इसलिए कोकोडाइल को मैंने अपने लिस्ट पर नंबर 5 पर रखा। दोस्तों कोकोडाइल एस का बहुत ही अच्छा ग्राउंड टाइप एंड डार्क टाइप पोकेमोन है दोस्तों। और कोकोडाइल एस के साथ काफ़ी दिनों से रह रहा है दोस्तों, और वो बहुत सारे मैच एस को जीतने में मदद करते हैं दोस्तों। कोकोडाइल ड्रैगनाइट को भी हराता है, इसलिए दोस्तों ड्रैगनाइट को मैंने नंबर 5 पर रखा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर है डॉल्फिन। दोस्तों डॉल्फिन को आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है दोस्तों। डॉल्फिन को पोकेमोन एनिमल यानी कि एलिफेंट हाथी से इंस्पायर होकर बनाया गया है दोस्तों। वो आप लोग साफ देख सकते हैं दोस्तों, हाथी की तरह इसके दूध दल का आ गया दोस्तों। हाथी की तरह सूंड भी है इसके और बिल्कुल हाथी की तरह दिखता है दोस्तों। बेंटेन को अगर बात किया जाए तो बेंटेन से भी इसको इंस्पायर होकर किया गया। बेंटेन को कैनन बॉल जो एलियन है दोस्तों, उससे इसको इंस्पायर होकर बना गया। और दोस्तों डॉल्फिन एक बहुत ही अच्छा और ताकतवर ग्राउंड टाइप पोकेमोन है जो कि एस को पहले मिलता था एक के तौर पर दोस्तों, तोहफे के तौर पर। लेकिन जब वो एक से फैन भी निकलता है दोस्तों, और फैन भी धीरे धीरे विकसित होकर डॉल्फिन में इवॉल्व हो जाते हैं। और दोस्तों डॉल्फिन एक बहुत ही अच्छा ताकतवर पोकेमोन आगे जाकर साबित होता है दोस्तों, इसीलिए डॉल्फिन को मैंने अपने इस लिस्ट पे नंबर 4 पर रखा। तो दोस्तों नंबर 3 पर है निडोक्रिन। दोस्तों निडोक्रिन बहुत ही अच्छा एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन है। और दोस्तों निडोक्रिन के बहुत ही खास मूव है जैसे कि हॉर्न अटैक, क्विक अटैक, टैकल अटैक, डाउन अटैक दोस्तों, बहुत सारे इसके पास खास ज़्यादा हमला है। और दोस्तों इसको वाटर टाइप पोकेमोन से ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन फायर टाइप पोकेमोन से दोस्तों इसको पास बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता है दोस्तों, इसीलिए मैंने इन पोकेमोन को अपने लिस्ट पर नंबर 3 पर रखा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं, और आखिर में जो दोनों पोकेमोन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों नंबर 2 पर है दोस्तों गोलम। दोस्तों गोलम एक रॉक टाइप पोकेमोन होने के साथ साथ एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी है। और दोस्तों गोलम भी कैनन बॉल से इंस्पायर होकर बनाया गया है दोस्तों। गोलम बहुत ही अच्छा ताकतवर और भारी वर्कम एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन एंड रॉक टाइप पोकेमोन है दोस्तों। गोलम जो कि एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन जिसके ऊपर फायर टाइप पोकेमोन की कोई भी असर नहीं होता दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है दोस्तों। अगर आप लोग फायर टाइप पोकेमोन से इसके सामना करते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं। और दोस्तों इससे 100 से दोस्तों 80% तो आप लोग जरूर हार जाएंगे, इसलिए दोस्तों गोलाम एक बहुत ही अच्छा ग्राउंड टाइप पोकेमोन बनता है। और दोस्तों इसलिए मैंने गोलाम को नंबर 2 पर रखा। तो चलिए दोस्तों इसको कंटिन्यू करते हैं, और आखिर में जो पोकेमोन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। दोस्तों इस लिस्ट पर नंबर 1 पर मैंने ऐसा पोकेमोन को रखा दोस्तों, अगर आप लोग उस पोकेमोन को देखते हैं शायद आप लोगों का दिमाग ही फट जाए दोस्तों, ये सोचकर कि भाई ने कि इसको कैसे देख कैसे नंबर 1 पर रखा दोस्तों, क्योंकि ये पोकेमोन तो ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, ताकतवर नहीं है तो क्या हुआ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मददगार पोकेमोन है। यानी कि पोकेमोन एनिमल आप लोग देखते दोस्तों, जब वहाँ का जो फार्मर है यानी कि किसान जो कि जिसके चार्स नहीं होता दोस्तों, उसके खेत को जुदाने के लिए दोस्तों इसको इस्तेमाल करता था दोस्तों। इस्तेमाल किया ये खुद उसके मदद करता था। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ताकतवर पोकेमोन है जो कि टीम रॉकेट को काफ़ी बार भी हराया है दोस्तों, और इलेक्ट्रो को वहाँ से लेकर एक खुले मैदान पर छोड़ दिया दोस्तों। इसने 3-4 आइलैंड को भी बचाया दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने इस मददगार पोकेमोन को नंबर 1 पर रखा। अगर दुनिया में कोई भी मददगार पोकेमोन होता है तो दोस्तों वो है डिंगलेडी दोस्तों, इसीलिए मैंने ये पोकेमोन नंबर 1 पर रखा। ये पोकेमोन भला ही ताकतवर ना हो लेकिन बहुत ही अच्छा प्यारा और मददगार पोकेमोन है दोस्तों। अगर ये लिस्ट आपको पसंद नहीं है तो
क्या कहूँ दोस्तों, वीडियो पे डिसलाइक कर देना दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे एक लाइक कर देना, साथ साथ अपने फैन के साथ शेयर भी कर लेना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा ग्राउंड टाइप पोकेमॉन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना हमारा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।